सुमन टीचर रोल नंबर 12। रही तो बीमार हो जाएगी, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी, क्या करे। पिल्ला निकाला तो था, पर गया कहाँ। पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया, तभी पता चला कि पिल्ला घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी, दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहाँ अनशन कर रखा था। रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए, उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला प्रसन्न है। इधर उधर खुद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। अब बस चारों ओर आनंद ही आनंद। मैं सोनदीप्ति हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जुड़े जो, जिससे जुड़ी और आशा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, और लगे ना उससे मेरा ध्यान। हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती है बड़ी निराशा। मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाती माँ हिंदी में, भजन गाती हिंदी में, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, ये मेरी दिल की अभिलाषा है, ये मेरी दिल की अभिलाषा है। मिश्री से भी मीठी है तू, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। हिंदी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आदरणीय प्रधान पिताजी, अध्यापक, अध्यापिकाओं और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी विश्व की प्राचीन व समृद्ध भाषा है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के आधुनिकता युग में जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते, मैं अध्यापिका के और मेरे दोस्तों, मैं श्लोक 3 से हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। हिंदी मुझे बोलना पसंद है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। और
सुप्रभात और आपका दिन शुभ रहे। सुप्रभात अध्यापिका जी, आज मैं कक्षा 3 ब से हिंदी दिवस के बारे में 2 वाक्य बताने वाला हूँ। पहला वाक्य, जब मैं हिंदी पढ़ता हूँ मुझे आनंद मिलता है। जब मैं मेरे दोस्त के साथ हिंदी बोलता हूँ मुझे आनंद मिलता है। धन्यवाद।